पापा को सरप्राइज दे रहे हैं क्योंकि जा रहे हैं सुबह अख खुल दिया सारी तो गड्डी च बैठी है पुत्री तो इसीलिए तो मैं बानो को सुना रही हूँ। आई एम अप्रिशिएटिंग शहरबानो। शहरबानो से हाय। और आप क्या कहना चाहती हैं सियालकोट जाने के पुर अक्षर मौके पे? सियालकोट तू जिंदा रहे। और चमन बतूल सियालकोट के लिए एक शेर बोलना चाहती हैं। यार घर रह रहे के ना मैं बिल्कुल ही भूल चुकी हूँ उर्दू इंग्लिश सब कुछ। ओके गो अहेड। तुम हमारे शहर को तो बातों से पहचान लेना। तुम हमारे शहर को तो बातों से पहचान लेना। सड़कें टूटी हुई हैं और लोग उर्दू बोलते हैं। ओए होए 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 होए। तो हम हैर खैरियत से अपने घर जा रहे हैं और बहुत ज्यादा धूप है भाई। हाँ नाउ इट्स मच बेटर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं तो अपनी गॉगल्स लाना भूल गई हूँ लेकिन हमारी गाड़ी के अंदर एक जहाज है। और आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी के अंदर जहाज कैसे फिट आ सकता है। और वो वाला जहाज भी नहीं है और उड़ने वाला जहाज भी नहीं है। इट्स ये कोई और तरह का जहाज है। दिखाती हूँ मैं। हेलो जहाज। हेलो चमन इधर देखो ये क्या लिखाया हुआ है। कहाँ से इम्पोर्ट करवाया? अच्छा देखो तो हमारे व्यूवर्स को तो दिखाओ। इधर देखो आप सब चमन को देखकर बताएं इसकी ग्लासेस को आपने रेटिंग देनी है आउट ऑफ 100। और व्हाट डू यू फील अबाउट योर ग्लासेस? आई रियली लाइक माय ग्लासेस। मैंने इतनी टाइम से ली हुई थी मुझे तो मौका ही नहीं मिला पहनने। चमन की जहाज को मैंने सोचा कि मैं भी लगा के देख लेती हूँ। ओह माय गॉड कि ये गाड़ी बहुत अच्छा लग और इस तरह के मेरे पास तो सेम टू सेम ब्लैक है बिकॉज आई डिडंट लाइक वाइट। और वो मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो चमन का जहाज लगा के थोड़ा मैं। किंजा आपका सफर कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है। तहरीम इज चिलिंग। मूंगफली खाती जा रही है और मोबाइल यूज करती जा रही है। सो किंजा इज ऑलवेज सफरिंग। डे सफरिंग नाइट सफरिंग। आई लव सफरिंग बिकॉज शी लव टू सफर। दिन में भी सफर करती है रात में भी सफर करती है। चमन व्हाट अबाउट यू? चमन को लगेगा इसकी तो पूरी लाइफ जो है ना वो सफर करते हुए गुजर गई है। यार मेरे मुंह पर बहुत धूप पड़ रही है। आई एम नॉट लाइकिंग द वाइब। मैं सिर्फ चिल करती हूँ। चिल दिन को चिल। एंड आई एम द लकी वन इन माय फैमिली इज़न्ट इट? चमन का जितना भी इस वक्त यहाँ पे शू चल रहा है ना ये जब थी ना छोटी थी ना तो ये शो का कहा करती थी शू। तो कॉफी विद करण इज अ शू और यहाँ पे कॉफी विद चमन चल रहा। ओके ओके अभी हम आपको कुछ दिखाते हैं कैमरा रिवर्स करके। हेलो एमटैग वालों। और यहाँ पे एमटैग लगवाने वालों की लाइन लगी हुई है। और शहर वालों ने कहा है कि जिस तरह मेरे पापा ने आज तक हेलमेट लेना पसंद नहीं किया मैंने एमटैग लगवाना पसंद नहीं करना। एंड सो मेनी पीपल। एक तो हमारी गाड़ी में बंदे भी बहुत सारे हैं तो आई कांट शो बट बहुत यहाँ पर काइंड ऑफ जलालत है। आपको मोटरवे से नहीं जाने देंगे क्योंकि आपने एम टैग नहीं लगवाया। वहाँ शहर वालों हमें कैसे जान देंगे फिर? हम लड़कियाँ हैं। नहीं हम लड़कियाँ लड़कियाँ नहीं है। एंट्री नहीं होने दे रहे काला शाह काकू से। हम तो एग्जिट कर रहे हैं। तो अभी जो शू चल रहा है हमारी गाड़ी में उसका नाम है कॉफी विद चमन। चमन आप अपने गेस्ट को कॉफी विद चमन में क्या पिलाती हैं? चमन आप कॉफी पिलाएंगे? चमन आपको कॉफी व्हाट इज कॉफी? कॉफी बनानी आती है? नहीं मुझे कुछ नहीं आता बनाना। मैं
जब सेल्फी लेती हूँ तो मुंह बना लेती हूँ, बस भाई जब उनको मुंह बनाना आता है। हाँ ये तो 100% ट्रू है कि इसको ना बस मुंह ही बनाना आता है। मुझे हर किस्म का मुंह बनाना। आप बताएं आपने कौन सा देखना। गोलियों में खिला रही हो तुम हमें। शहर बनो कह रही है, इसने नहीं रुकना। शहर बनो नहीं तो मानो। वेलकम टू माय शो द चमन शो। यू नो तो आप मेरी एक अच्छी बात बताएं सबको, मेरे व्यूअर्स को। शहर बनो लगे ये सोचने। अगर इसकी कोई अच्छी बात नहीं है तो फ्रेंकली तुम कह सकती हो कि चमन में कोई अच्छी बात नहीं है। चमन में कोई अच्छी बात नहीं है। ओह ठीक है। अब इस तरह थोड़ी ना कोई काम भी नहीं पड़ रहा। ठीक है आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है, तो आप एक अच्छी बात मेरे बारे में या बुरी जो आपको पसंद है बताना चाहेंगे? मैंने बुरी बात बताई तो दिन निकल जाएगा। मैं अच्छी बात ये बताती हूँ कि जब मैं बहुत ज्यादा थकी होती हूँ और मेरी टांगों में दर्द हो रही होती है तो मेरी बहन मेरी टांगे चमन को टांगे दबाने के अलावा और कुछ नहीं। अब मैं बाजू से पूछना चाहूंगी कोई एक अच्छी और एक बुरी। चमन की बुरी तो बहुत सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन चमन की एक अच्छी बात ये है कि शी इज माई 3 AM फ्रेंड। मेरी सारी बहनें अगर सोई भी हों तो इसको मैसेज करो तो ये रिप्लाई करती है और अपना ओपिनियन भी दे देती है। और एक अच्छी बात इसकी ये है कि बेशक मैं इसको जो मर्जी कह लूँ, अगर मैंने कह दिया कि मुझे चाय बना के दो तो इसे बना के पापा तू हाँ चुमी ना मुंह नहीं चुमिया। आते एक ही दिन के लिए हम आए हैं छुट्टी पे, कल सुबह सुबह हमने चले जाना है। हम आ गए हैं। ये शहर बानो खुद को ड्रेस अप कर रही है इन अ गुंडा स्टाइल और हम आ गए हैं अपने हवेली पे। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लहसुन जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था ना, उस दिन ये लग रहा था एंड माशाल्लाह अब ये उग गया है। मूलियाँ भी, पालक भी। और आ जाएं डरे ना वी भी। ये हमारा लहसुन उग गया और साइड पे मूलियाँ भी उगी हुई हैं। और थोड़ा मैं जूम करती हूँ, ये गोभी भी उगी हुई है, पालक भी है, धनिया भी। सबसे अच्छा लहसुन हुआ है, बाकी पालक वगैरह तो बड़े होने में टाइम लगना।